राजस्थान के मकराना में हूँ और ये जगह मशहूर है मार्बल के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ एक ही चीज की खेती होती है और वो है मार्बल। कितने फिट का होगा इसकी ये मोटाई? फाइनल प्रोडक्ट है ये। राजस्थान के मकराना में हूँ और ये जगह मशहूर है मार्बल के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ एक ही चीज़ की खेती होती है और वो है मार्बल। मार्बल यानी कि संगमरमर। यहीं से जो मार्बल निकला था उसी से ताजमहल बना था, उसी से विक्टोरिया पैलेस बना है कोलकाता का। कई मशहूर इमारतें देश और दुनिया की यहाँ से बनी हैं। इस पूरे मकराना इलाके में मार्बल की बहुत सारी खदानें हैं। उनमें से कई खदानों के सामने हम खड़े हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी मार्बल की खदानों के जो ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। आपको पूरी प्रक्रिया भी बताएंगे आज कि कैसे मार्बल तोड़ा जाता है ज़मीन के नीचे से, तोड़ करके उसकी बड़ी ब्रिक्स ऊपर लाई जाती हैं, कैसे उसकी कटाई होती है फिर फैक्ट्री में, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रसीब। ये बताइए कि ये कितनी खदानें हैं पूरी इसमें? ये मकराने में करीबन 850 खदानें हैं। 850 खदानें जी मार्बल की। और कितना मार्बल एक दिन में निकलता होगा लगभग? लगभग तो ये खूब सारा मार्बल निकलता है। हाँ। और ये अभी जो अपन खड़े ना, ये मकराने की टॉप रेंज में आता है, वाइट मार्बल की रेंज है। यही से अपन ने बिरला मंदिर जयपुर वाला यही से बनाए, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल यहीं से बनाए, और अभी जो प्रजेंट में राम मंदिर का भी जो काम चल रहा है वो यहीं से चल रहा है, इसी रेंज का माल चल रहा है। राम मंदिर का जो पत्थर जा रहा है अयोध्या वाले का, वो यहीं से है? जो गर्भगृह में जो राम मंदिर जो लग रहा है ना, वो जो यहीं से जा रहा है। इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। इतिहास के बारे में, जैसे यहाँ पे मकर सिंह जो राजा थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे, तो उन्हीं के नाम पर ये मकराना शहर का नाम रखा गया। उसके बाद फिर शाहजहाँ आए, शाहजहाँ ने अपने लिए जो ताजमहल मुमताज के लिए जो बनवाया था मकबरा, तो उसके लिए फिर यहाँ से मार्बल मार से मकरान शहर से मजदूर बुलवाए, फिर मकरान शहर के मजदूर यहाँ पे काम करने लगे धीरे धीरे, फिर वो यहीं पे बसने लग गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे माइंस का जो उनका जो खानदानी सिलसिला है वो चलता रहा धीरे धीरे से, और इस तरीके से ये उन्हीं के नाम पे चलती है। एक जो एस्टिमेट है ना उसके मुताबिक 120,000 टन मार्बल जो है हर साल निकलता है यहाँ से। ये एक एस्टिमेट है, 120,000 टन। और वो ब्रिक निकलने का विजुअल अभी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ स्थानीय स्तर पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं काम? यही इसी में लगे, इसी पे प्रॉपर, इसी पे डिपेंड है, इसी पे डिपेंड है। तो या तो उसकी फैक्ट्री है, इसके बाद और ये माइन से जाता है फैक्ट्री में, उसके बाद में ना स्लिप्स वगैरह निकलते हैं। थोड़ा सा एक बार ना एक सेफ जगह पे खड़े होके थोड़ी प्रक्रिया बताइए कि कैसे निकलता है, एक बार आ जाइए तो पंकज थोड़ा देख के आना। ये जो इसको ट्रॉली बोलते हैं, ये जो ट्रॉली है इसमें सबसे पहले माइंस खोदने से पहले काफी सारा जो स्क्रैप रहता है पहले वो निकाल लेते हैं। स्क्रैप यानी वो जो पत्थर जो है जो काम का नहीं है, जो ये पीछे पड़ा हुआ है ये स्क्रैप है, मिट्टी वगैरह सारी इसी से निकल, ये जो पत्थर है ये पीछे जो पड़ा हुआ है ये स्क्रैप है, स्क्रैप है। इसके अलावा मिट्टी भी इसी से निकलती है, हमारे जो लेबर है वो भी इसी से जाते हैं अंदर, इसी से लेबर अंदर जाते हैं, सेफ रह सके, मजदूर इसी में जाते हैं नीचे। ठीक है, और ये कितने फुट का है नीचे गहरा? ये लगभग आपको 200 से 300, इसमें माइक में बताओ, लगभग 200 से 300 फुट की गहराई के अंदर आपको, 200 से 300 फुट की गहराई है। थोड़ा सा संभाल करके नीचे देखना भाई साहब, बहुत रिस्की है ये काम, बहुत खतरनाक नहीं है? हाँ बहुत रिस्की है ये काम तो। हाँ। लेकिन काफ़ी सारे हमारे जो लोग इनकी सबकी आदत हो गई, लेबर लोगों की और हम लोगों की भी, तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं तो इस वजह से तो कोई इतनी परेशानी नहीं है। जो मजदूर हैं वो लोकल हैं सब या? जी जी लोकल, गाँव से भी आते हैं और ये डेली अप डाउन कर उठी रहता है इनका। और कितनी दिहाड़ी देते हैं मजदूरों को? मिनिमम मिलके 700-800 रुपये। 700-800 रुपये पक्की बात? जी जी 400-500 तो नहीं, नहीं नहीं 400-500, 700-800 से 1000 रुपये भी रहती है। अभी जैसे कि काफ़ी जो बड़े पत्थर रहते हैं वो अंदर से ही कट के आते हैं निकल। हाँ तो ये जैसे नीचे ड्रिल मशीनें हैं नीचे, हाँ? आपको शायद यहाँ से मैं थोड़ा ये वायर दिख, ये वायर है ऊपर मशीन है, वायर से नीचे जा रहा है, वो जो एक मशीन दिख रही है आपको, हाँ वो कैमरा जूम करने पे जितना दिखता है। ठीक है, वो जो टायर्स के पास में जो मशीन दिख रही है वो वाली मशीन है ना, मार्बल जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनको कट करने के लिए करी हुई है, फिर उससे कट करने के बाद फिर मार्बल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इससे मकराना का मार्बल बहुत मशहूर है बिल्कुल। और इन्होंने भी बताया कि जो ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में तो लोग जानते ही हैं कि वो यहाँ से पत्थर निकला। दुबई के अंदर जो अभी मंदिर बनाया ना, नया मंदिर जो भी पहला दुबई के अंदर दो अरब अमीरात में पहला मंदिर बनाया ना, वो भी मकराना से गया है पत्थर। और जितने भी दुनिया के अंदर बिरला मंदिर है, जो भी कुछ भी है मंदिर वगैरह मस्जिद,
जो इमारत दुबई की एक मशहूर मस्जिद भी बनी है, पाकिस्तान की लाहौर की भी एक मस्जिद भी बनी है, सब जो है ना सब मकराना से ही है, एक्सपोर्ट होता है पर यहाँ से, एक्सपोर्ट होता है ये, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलने के बाद अभी फैक्ट्री में जाएगा। अगर किसी को मतलब जैसे कि मंदिर के ब्लॉक्स वगैरह बनाने हैं तो फैक्ट्री में कटिंग वाली मशीन पे जाएगा, तो उसके हिसाब से जिस तरीके से पत्थर के साइज के हिसाब से कटिंग होगी। और अगर किसी को स्लैब में चाहिए तो स्लैब के अगर स्लैब वाली मशीन रहती है, इसमें काफ़ी सारे वो लगे हुए रहते हैं, तो एक साथ ही सारे स्लैब निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे काटा पहले, वो जो एक ब्रिक हम काटते हैं कितने कितने क्या साइज की होती है? वो साइज के हिसाब से होता है, जो जिसकी जरूरत के हिसाब से जो साइज अवेलेबल करना है। जैसे किसी को 3x4 का चाहिए, 4x3 नीचे से काट रहे हैं, वो जैसे जो निकलना है 30 स्पीड 50 जो बड़ी वाली जो क्रेन रहती है वो कुछ ही जगह है तो उसमें बड़े पत्थर निकल सकते, बड़े पत्थर निकल जाते हैं। ठीक है, ये उनसे नीचे उसको ऊपर खींच लिया और फिर यहाँ से लोड करके फैक्ट्री में ले जाते हैं, बाई ट्रक फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री में उसकी आगे ये देखिए सामने एक चालू हो गई है मशीन, यहाँ से एक पत्थर आ रहा है, पहले नीचे जा रहा है, पहले नीचे जा रहा है। ठीक है, फिर अभी मजदूर नीचे काम कर रहे हैं, नीचे मजदूर काम कर रहे हैं, अब उसको बंद करेंगे, इसको बांधेंगे अच्छे तरीके से, जो कटिंग हो चुका है मार्बल उसको बांध के फिर धीरे धीरे इसको ऊपर खींचेंगे। गाड़ी का इंजन लगा हुआ रहता है इस मशीन में, तो गियर के हिसाब से फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में इसको धीरे धीरे पहले अच्छा गियर के हिसाब से खींचते हैं। हाँ, क्योंकि स्पीड में अगर खींचेंगे ना तो ये अच्छा, तो आप लोग इतने समय से देख रहे हो इसको, अभी आपने बताया 200 फीट करीब है ये, हाँ तो पहले तो 200 फीट नहीं रही होगी ये, नहीं नहीं 10 साल पहले कितनी थी? एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लगभग 40 यहाँ अलग अलग पहले 40-50 फीट था, बढ़ के 40-50 फुट से मतलब अगर जमीन में खोदना शुरू करूँ मान लीजिए यहाँ से तो 50 फुट पे मार्बल मिल जाएगा 50 फीट के बाद, और उसके बाद नीचे है ही, हाँ बिल्कुल अभी 200 फीट तक मिल रहा मार्बल है, इसके नीचे भी बिल्कुल, है बिल्कुल गहराई के अंदर भी है। क्या उस पे कुछ मतलब कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, रिसर्च हुआ है बिल्कुल, और नीचे अभी कम से कम है ना 1500 फीट माल पड़ा है उसके अंदर। कई बार ऐसी खबरें भी आई हैं, मैं पढ़ रहा था कि किसी मजदूर का क्या निधन हो गया, एक्सीडेंट वगैरह होता है, क्या प्रावधान? यहाँ पे जो माइंस की जो कमेटी बनी हुई है वो हर मजदूर के लिए प्रावधान दिया गया है, जैसे माइंस की प्रावधान है 8 से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख के बीच के अंदर मुआवजा दिया जाता है मजदूर, पर उनका हेल्थ बीमा नहीं है ना, यहाँ पे कोई बीमा नहीं है, हेल्थ बीमा करवाते हैं उनका, हेल्थ बीमा उनका करवाते हैं, हेल्थ बीमा या माइंस की मॉडलिटी है जो एक टीम बनी हुई है, कुछ भी होता है तो उसको मुआवजा भी देते हैं, और हेल्थ बीमा पहले करवाते हैं, सारे मजदूरों का हेल्थ बीमा है, पहले हेल्थ बीमा करवाते हैं, पक्की बात, कितने लाख का बीमा, कितना कितने का अमाउंट का बीमा है? वैसे जैसे कि वो जो अभी जो हमारे राजस्थान सरकार जो बीमा चला रही है, बीमा का नहीं, वो तो चिरंजीवी योजना है, वो तो अलग है, वो तो ये जा रहा है, वो चिरंजीवी योजना का बीमा अलग है, उससे पहले का जो बीमा है जैसे 5 लाख तक का जो बीमा रहता है, 5 से 7 लाख का वो बीमा हम करवाते हैं, करवाते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, काफी सारी लोगों के वगैरह पूरा रहता है, इंश्योरेंस रहता है, पूरा स्टाफ का इंश्योरेंस रहता है। नहीं, यहाँ जो मजदूर यूनियन है उनसे मैं पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि बीमा नहीं होता। नहीं नहीं, बीमा होता है, कई कोई माइंस मिली है, बाकी हर जगह है ना 95% आपको 97% मतलब आपको ये है कि आपको बीमा मिलेगा मजदूर का। अच्छा, उसके अलावा अलग से प्रावधान है। यहाँ के मार्बल की खासियत क्या है? यहाँ के मार्बल की खासियत, सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि यहाँ का जो मार्बल है उसमें कैल्शियम होता है 95-98%, कैल्शियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, इस वजह से अगर अपन जैसे बिना चप्पल के भी चले ना तो भी अपन को बेनिफिट है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा जैसे इस मार्बल में ये खासियत है कि जितना ज़्यादा इस पर जैसे पानी डालते हैं, जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा इसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है, बाकी माइंस में फिनिशिंग खत्म होती जाती है लेकिन इसकी फिनिशिंग और अपने आप बढ़ती जाती है। ये वाला कहाँ भेज रहे हैं? नीचे जा रहा है ये नीचे जा रहा है, स्क्रैप लेने जा रहा है, और अभी जैसे कि टाइम हो गया इनका तो मजदूर भी लेबर भी इसी से नाते हैं, इसी से लेबर आ रहा है, धीरे धीरे उनको बाहर निकालते हैं। अच्छा, कितने भी ये कई सारी माइंस है ना, मतलब ये कई सारी माइंस, तो ये जैसे एक मशीन का मतलब एक माइन, जितनी ये एक मशीन एक माइन में लगी हुई है ऐसा समझे, तो ये सारी मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे वैसे जितनी मशीन है उतनी माइंस है, जो यहाँ से छोटे एकदम होते हैं स्लेबी से खंडे उनकी यहाँ फैक्ट्री, उसका पाउडर बन के बाहर जाता है, फिर उनसे वो अलग अलग कंपनियों के थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
ये जैसे अब जो स्क्रैप निकल गया, हाँ। ये निकला है, ये स्क्रैप है ना ये? हाँ, ये स्क्रैप है, ये पत्थर है, तो ये इसका क्या, इसको भी तोड़ के बजरी बना के? नहीं, इसको तोड़ के जैसे घर बनाने में, हाँ, उसमें काम लेते हैं। वही बजरी बनाने और दीवार की दीवारें होती है ना, हाँ। वैसे इस वेस्टेज को ना उस दीवार में काम लेते हैं। इसका यूज जैसे मेन जो नींव रहती है अपनी, हाँ। वो इसी वेस्टेज से एक्चुअली में बनती है। अच्छा, ईंटों की दीवार तो पर्दी ऊपर होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी का यूज किया जाता है क्योंकि इससे मजबूती बनती है, लाइफ टाइम रहता है, कभी भी कितना भी तेज कुछ भी आ जाए तो घर वगैरह कभी भी उसमें नहीं जाते। जैसे अगर कोई आज तक तो नहीं आया, तो यहाँ आपके घरों में आप, यहाँ तो चूंकि इतना जैसे कहते हैं ना लोग की भाई साहब वो तो मार्बल की खान है जगह, तो यहाँ तो फीका फीका मिलता है, नहीं, नहीं। मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, तो आप लोग के घरों में तो खूब मार्बल लगता है? मार्बल लगा हुआ है, मार्बल लगाते हैं जी, सभी के घरों में मार्बल मिलेगा, आपका फर्श पे मिलेगा, कई सारे घरों में आपको, तो बाहर की जो दीवार है ना जहाँ वॉल पेंट करवाते हैं ना वहाँ पे भी मार्बल मिलेगा आपको, हाँ। तो वो लाइफ टाइम एक बार मार्बल लगाएगा, जैसे वो शहरों में दिल्ली और उसके आस पास बहुत अमीर लोग हैं वो लगा, वो अफोर्ड कर पाते हैं। माल 10 रुपए से स्टार्ट है, 10 रुपए में माल मिल जाता है आपको, एक स्क्वायर फीट का रेट क्या है? 10 रुपए से स्टार्टिंग रेट है, उसके बाद बाद में जहाँ से 2,000-5,000 तक भी जाता है, जितना वो किस हिसाब से होगा, वाइट क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी कैसे तय होती है कि कैल्शियम की कितना वाइट है? वाइट और ग्रेन, वाइट में और अपना क्रीम कलर में है, ब्राउन कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया और अपना डार्क ब्लू हो गया इस तरीके से, और पिंक, लाइट पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया, ये 6-7 कलर यहाँ से निकलते हैं। ये नेचुरल कलर होते हैं? नेचुरल कलर। और किस, ये कलर के हिसाब से प्राइस बढ़ता है क्या? कलर के हिसाब से सबके अलग अलग प्राइस है। और इस पे जो पैटर्न होता है वो नेचुरल होता है क्या? हाँ, जो इसके अंदर जो लाइनिंग आती है जो नेचुरल होती है, यहाँ जैसे एल्बेटा है, चेक डोंगरी है, उल्लोडिया माइंस है, ये चोशीरा माइंस है, अलग अलग माइंस है, और उसमें कभी सिमिलरिटी मान नहीं लिखता, कभी एल्बेटा निकलता है, कभी व्हाइट निकलता है, कभी आडंगा निकलता है, हर माइन से अलग अलग निकलता है, हर माइन से अलग अलग निकलता है। अच्छा, सब माइन्स अलग अलग है, कभी गुलाबी निकलता है, कभी गुलाबी आडंगा निकलता है, कभी पिंक प्लेन निकलता है, कभी व्हाइट एकदम अच्छा क्वालिटी का निकलता है, कुछ सिमिलरिटी नहीं है कि अंदर क्या निकलेगा, हमें कुछ मालूम नहीं है, कुदरत की चीज है। जैसे डायमंड के हीरे चमकते हैं, इसमें भी व्हाइट में वही प्रॉब्लम है। अब इसमें समझेंगे कि हम ये कटेगा कैसे, उसमें से प्योर व्हाइट कौन सा, क्या नाम है आपका? मुकीम, बताइए इसको क्या है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्योर व्हाइट है। अच्छा, ये कैसे पता चला? ये काली लाइनिंग है, ये अच्छा, ये वेस्टेज माल है, ये जो काली लाइन इसमें बीच में मोटी है, हाँ। और उस उधर भी इसके बाद में ये मोटी आ गई, हाँ। तो ये वेस्टेज है, ये प्योर व्हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ पे कट लगेगा जी, और यहाँ से लेके यहाँ कट लगेगा, और ये बीच का जो है ये वाला हिस्सा, ये प्योर व्हाइट, ये प्योर व्हाइट है, तो इसकी बड़ी स्लैब बन जाएगी यहाँ से, वहाँ से लेके ये लाइन जिधर इधर है उधर भी उतनी लाइन जी, उधर भी पार, ये लाइनिंग पार है, ये पार है उस तरह जी। अच्छा, और ये वेस्टेज है? जी, ये वेस्टेज है, देखिए ये है, तो इस तरह से ब्लेड फिर ऐसे चलेगा, इस पे चलेगा ब्लेड, ठीक है, फिर इसके साइज में मोटे बड़े पत्थर अपने काट लेंगे, इसके मोटे अपने कट के स्लाइस निकल आएंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट मार्बल, मार्बल यही है, मतलब सबसे टिकाऊ मार्बल माना जाता है, मार्बल यही है सबसे टिकाऊ मार्बल, इसका पूरा लाइफ टाइम और लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम। अब इसकी कटिंग आपको दिखाते हैं, आइए कटिंग, तो आ गए हम लोग एक फैक्ट्री में, और यहाँ आपको बताते हैं कि कैसे जो मार्बल का जो बड़ा हिस्सा, बड़ा स्टोन जो लेके आते हैं उसको कैसे काटा जाता है। ये मशीन उस काम के लिए भाई साहब? हाँ, ये मशीन सबसे पहले जो ब्लॉक्स आता है, हाँ, मार्बल का जो माइन से निकल के सीधा यहाँ पे रख दिया, ट्रक से आया वो है ना, ट्रक से। अब ये मशीन क्या करेगी, इस मशीन को जो कटिंग मशीन है जहाँ से मार्बल के कट लगते हैं, ये नीचे जो दिख रहा है, हाँ, स्क्वायर में ब्लॉक्स कट करने के लिए ये मशीन उसको उसके पास लेके जाने के लिए यूज में आती है, जो ऊपर है, हाँ, ठीक है, ये बन जाता है इस पे पत्थर, फिर ये मशीन धीरे धीरे उस साइड जाती है आगे, ठीक है, हाँ, फिर यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक पहुंची। अब इस मशीन से ये इसकी ट्रॉली होती है, इस मशीन की कटिंग मशीन की ट्रॉली होती है, इस पे रखते हैं। अब इस पे जो होती है वो पुट्टी वगैरह, अपन जो कड्डी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे लैंग्वेज में, तो वो यहाँ पे उसका पहले लगाते हैं ताकि वो पत्थर इधर उधर खिसके नहीं जब इसकी कटिंग हो। अच्छा, पत्थर पे वो लगाते हैं पहले, हाँ। दिखाना एक बार कैसे, हाँ, ये अभी जो ज्यादा बड़े बॉक्स हैं तो ये नीचे लकड़ी के लगा देते हैं ताकि ये पत्थर पिसले नहीं। अच्छा, नीचे लकड़ी का वो, हाँ, लगा दिया, एक सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट लगा देते हैं आगे पीछे पत्थर के हिसाब से, साइज के हिसाब से। अब उसके बाद ये मशीन इस पे जाती है, अभी इसके कट लगेगा, अभी जैसे इसका ये कट लगा हुआ है, ये कट इसमें लगा हुआ है, जैसे ये कट लगा हुआ है, ये देखो ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है,
और वो ब्लेड पानी जमीन से वो ब्लेड नीचे जा रहा है धीरे धीरे, है ना, पत्थर के बाद चलता रहेगा और वो ऊपर से पानी आएगा, पानी आता रहेगा कटिंग के दौरान, जो है पानी डालते हैं उसको। और इसमें जो नीचे इनको बोलते हैं बिट बोलते हैं, इनमें डायमंड लगा हुआ था एक्चुअली में, जो मार्बल मकराना का जो मार्बल है ना वो डायमंड से ही कटता है। अच्छा, कहाँ पे डायमंड लगा है इसमें? इसमें जो ये जो है ना छोटे छोटे इसके अंदर डायमंड लगे हुए होते हैं। ये बिट, हाँ। ये जो है डायमंड का है, एक मिनट रुको मैं इसको छोटे छोटे टच कर लेता हूँ। ये इसमें पार्टिकल्स हैं, इसमें डायमंड्स के छोटे, डायमंड्स के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे बिल्कुल। तो ये तो कुछ कटिंग के बाद खराब भी हो जाते होंगे? हाँ, ये खराब होते हैं, घिसते हैं। तो ये कितने टाइम बाद चेंज करना पड़ता है? ये जैसे अब मैंने एक महीने दो महीने लग जाते हैं इसमें। अच्छा, जैसे जितना वो अपन काटते हैं ना इसको पत्थर को, उसमें वैसे टाइम लगता है इसमें। तो ये हीरो हीरे के बनते हैं, ये हीरा आता ना हीरा, उनके ये डायमंड है। तो इसी वजह से मार्बल महंगा भी है, ये भी इसकी कॉस्ट में इजाफा तो करता ही है, लगता है ना इसमें कॉस्ट लगता है इस पे। ये बात है, एक बार चलाइए ना मशीन देखें। तो ये देखिए अब ये मशीन शुरू हो गई है, जो कटर है ऊपर से पानी गिरना शुरू हो गया है, पानी गिरता रहता है और उसके साथ में ये ब्लेड चलता है। पानी क्यों गिरता है एक बार आसान भाषा में समझाइए। एक्चुअली में पानी इसलिए गिरता है ताकि इसका पत्थर भी आसानी से कट जाए और इसकी ब्लेड है ना जो कि लगातार चलती रहती है पत्थर, इस वजह से ये गर्म हो जाती है तो ये टूटने का भी चांस रहता है। इसको ठंडा रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों ठंडा रखने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे अभी चल रही है ये मशीन, है ना, तो अब अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये फिर गर्म हो जाएगा, चिंगारी आ जाएगी, तो उससे पत्थर गलत तरह से टूट सकता है। हाँ, वो साइड ब्लेड भी टूट सकता है, ब्लेड भी टूट सकता है साइड में, जैसे ये अपन कचरे पे निकाल दें काटते ना इसको सही साइड में बैठता है। मान लीजिए ये जो पत्थर है ये कितने फिट का होगा इसकी ये मोटाई? ये पत्थर जाएगा हम लोग उस मशीन पे उसके हिसाब से। नहीं, इसकी मोटाई कितनी होगी अभी? हाँ, ढाई फुट है ना। हाँ। तो ये ढाई फुट काटने में कितना टाइम लगेगा? ये कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे इसको काटने में। अच्छा, तो आप जैसे एक फैक्ट्री में कितने पत्थर काट लेते होगे एक दिन में, कितना मार्बल निकाल लेते हो ये बताओ? एक दिन में अपन जैसे नहीं कट के हिसाब से देखो तो 17-18 कट लग जाते हैं, 17-18 कट लग जाते हैं और आधे दिन में 24 भी लग जाते हैं, 25 भी लग जाते हैं, क्योंकि हाइट के हिसाब से लेते हैं ना फिर मशीन। ये हाइट है अभी 4 फुट की इसकी, तो यहाँ से ये कट जाता है पानी के बाद और उसके बाद उसके कटते हैं, उसके बनते हैं ब्लॉक, इससे 18 mm का स्लैब निकलेगा। स्लैब एंड टाइल्स वो यहाँ पे रेडी होती है सारी। ये पिंक वाला है ना? ये पिंक वाला है, पिंक वाला है। ये अलग अलग कलर आते हैं, इसमें ग्रीन आ गया, अलग अलग कलर। इसकी मोटाई अलग अलग है? हाँ, 18 mm है ये, 18 mm। ये तो स्क्रैप है, ये स्क्रैप है, स्क्रैप इसका, ये 18 mm का है। हाँ, ये है पिंक एंड ब्लू आ रहा है, पिंक एंड ब्लू कलर, कलर में अलग अलग कलर आते हैं। व्हाइट भी कटा हुआ है आपके पास? व्हाइट भी है ना। हाँ, तो ये कितने की है? ये कितने? ये 100 रुपये स्क्वायर फीट की है। यस, 100 रुपये स्क्वायर फीट की, 100 रुपये स्क्वायर फीट इसका दाम है। ठीक है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर जाता है। अच्छा, अभी काम बंद है यहाँ पे, यहाँ लिफ्ट से कट के बाहर आ गया, ये निकल गया ना, वो चालू होगा वो। अच्छा, वो वाला चालू, इस तरीके से वो सिंगल चल रही है ब्लेड, उस तरीके से इसमें काफी सारी ब्लेड चल रही है, सेम ब्लेड है। कितने? 85 ब्लेड है इसमें। अच्छा, तो ये मतलब एक यहाँ पे ब्लॉक गया और उसके 85 टुकड़े होकर के आ गए। हाँ। अच्छा, ये पंकज इधर आ जाओ, मिट्टी का ये जो लगाते हैं कि कट होने के बाद ये अलग होके भरभरा के गिर ना जाए, उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये लगाते हैं, गड्ढी और गार लगते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गड्ढी प्लास्टर, गड्ढी 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 प्लास्टर होते हैं ना, प्लास्टर, हाँ वो है इसमें लगाओ, मतलब ये तो लेकिन मिट्टी का ही है, मिट्टी का प्लास्टर है ना बस, तो ताकि ये मतलब ये ब्रिक खड़ी होकर के इस तरफ ना गिर जाए, उसके लिए सपोर्ट है, बाद में ये सूख के अलग हो जाएगा तो ये हर एक जो इसकी स्लैब है वो अलग हो जाएगी कट के। अभी ये तो डैमेज हो गया थोड़ा सा बीच से। हाँ, ये बीच में अब ये कटिंग, अब दूसरी कटिंग पे जाएगा ये माल। हाँ, ये कटिंग होकर के वापस जैसे स्लैब बनेंगे फुट बाय फुट के, 1.5 बाय 1.5 के, 2 बाय 2 के, इसमें जैसे साइज बनेगा उसी हिसाब से फिर स्लैब बनेंगे। कटा हुआ पड़ा है आपके, दिखा देते हैं, ये देखो ये छोटी टाइल्स हो गई। हाँ, जो और ये व्हाइट नहीं है ना, ये व्हाइट नहीं है। हाँ, ये जितना ज्यादा छोटा पत्थर बच जाता है ना। हाँ, उसकी उतनी हिसाब से टाइल्स बना लेते हैं। हाँ, ये पिंक वाला है। हाँ, ये पिंक है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट, और इसमें ये क्रिस्टल्स हैं, अगर वो कैमरा पे मुझे पता नहीं कितना क्लियरली दिखेंगे अंधेरे में, पर ये क्रिस्टल्स दिख रहे हैं और जैसे इस पे धूप पड़ती है तो ये चमकता है, और यही जो है मकराना की पहचान है, मकराना व्हाइट
मार्बल की पहचान जो है वो यही है, और ये समय के साथ और चमक इसकी बढ़ती है। चमक इसकी बढ़ती जाती है, अगर पानी अगर इस पर आता रहता है तो और ज़्यादा बढ़ती जाती है जल्दी। पानी और उसके बाद घिसाई, साफ सफाई उसके साथ और बढ़ती है। फिनिशिंग करें ना तो और भी ज़्यादा इस पर आ गेंसों से आया हुआ, अभी ये गेंसों से आया हुआ कटिंग कट कर हो गया है, अभी इस पर फाली चढ़ेगी ना तो और इसका क्रिस्टल भी चमकेगा, ये मार्बल बहुत एक नंबर वाइट निकली। अभी क्या चढ़ेगा इस पर? घिसाई होगी, इस पर घिसाई होगी, फिनिशिंग जब होगी घिसाई होगी तो और चमक जाएगा। ठीक है, ये कितने की है ये वाली? ये अभी अपन जैसे 500 स्क्वायर फीट एक, जैसे अभी ये है ना, हाँ। ये 1000 रुपये का एक पीस है, जैसे 1000 रुपये का एक पीस है, एक पीस है। ये वाला ये 1000 का एक पीस है भाई। इसीलिए कहते हैं मार्बल महंगा है, एक तो इसमें डायमंड लगता है, और दूसरा ये जो है, जो ये ब्रिक्स वहाँ से निकालते हैं बड़ी बड़ी, उसमें अंदर की तरफ प्योर वाइट मार्बल होता है, जो और दूसरे कलर के मार्बल हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते हैं। वाइट में भी कुछ सस्ती क्वालिटी वाले आते हैं, सस्ती क्वालिटी के हैं। कुछ मार्बल्स ऐसे होते हैं वाइट में जिसमें और ज़्यादा ये जो क्रिस्टल दिखते हैं, ये क्रिस्टल और ज़्यादा दिखाई देंगे आपको, जितनी ज्यादा चक डूंगरी बोलते हैं इसमें छोटे क्रिस्टल भी आएंगे। छोटे क्रिस्टल आएंगे, ये इसमें बड़े क्रिस्टल हैं, वो डूंगरी का माल आता है, वो छोटे क्रिस्टल आते हैं उसमें, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा नहीं, वो ज़्यादा महंगा होता है, छोटे क्रिस्टल वाला ज़्यादा महंगा होता है, ये बड़े क्रिस्टल वाला है। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोजेक्ट आपने देखा, हमने कोशिश की आपको कि मकराना के मार्बल की माइंस खदानें जो हैं वहाँ से कैसे पत्थर तोड़ करके निकाला जाता है वो दिखाएं, और उसके बाद कैसे उसको लाया जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसे उसके स्लैब बनाए जाते हैं, और फाइनल टाइल्स, छोटी टाइल्स कैसे बनती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। मेरा नाम कुलदीप है, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।